पुलिस हेडक्वार्टर के असलाह खाना में दस्ती बम फट गया। धमाके में दो पुलिस अहलकार शहीद और दो जख्मी हो गए। आज न्यूज की नुमाइंदा अनुषा जाफरी इस वक्त जायवको पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा। हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है, यहाँ पर जो है एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हैंड ग्रेनेड जो है वो इंस्पेक्शन के दौरान जो है वो धमाका हुआ है। हैंड ग्रेनेड का सुबह 11:15 पर यह वाकया हुआ है। इसकी तहकीकात अभी मजीद की जा रही है। इस अफसोसनाक वाकये के अंदर जो है वो दो पुलिस कांस्टेबल जो है वो शहीद हुए हैं, साबिर और शहजाद नाम बताया जा रहा है। क्राइम सीन यूनिट की टीमें यहाँ पर पहुंची है। हमें तकरीबन डीएनए के स्वाब्स वगैरह कलेक्ट किए और बीडीएस के कुछ बम के पीसेस वगैरह थे वो भी कलेक्ट हुए हैं और फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है हमारी। बताइएगा क्या लग रहा है कि ये कोई हादसा है जो कि हो गया या फिर मजीद कोई इसमें कुछ शामिल हो सकता है? मैम इसको मैं अभी हाईलाइट नहीं कर सकता क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी रहती है। दो एक मोची शहीद हुआ है, एक हमारा एक जवान शहीद हुआ है और दो की सीरियस कंडीशन है जिसमें एक डीआईजी साउथ शर्जील खरल भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से भी बात की, उनका यही कहना है कि मजीद इस हवाले से तहकीकात जो है वो की जा रही है। असला खाना के अंदर ये वाकया जो है वो पेश आया है और अभी वहाँ पर क्राइम सीन यूनिट की टीमें जो है वो मौजूद है, जबकि दो पुलिस अहलकार जो है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जो कि इस वक्त अस्पताल के अंदर जो है उनको फौरी तौर पर इलाज जो है वो